রানীগঞ্জে সীতারামজি ভবন প্রাঙ্গণে বৃহস্পতিবার মারোয়াড়ি সমাজের পক্ষ থেকে বিজয়া সম্মেলনী অনুষ্ঠানে সম্মানিত করা হলো আসানসোলের সাংসদ তথা বলিউডের জনপ্রিয় চিত্র অভিনেতা শত্রুঘ্ন সিনহাকে। এদিন তাকে সম্মানিত করার সাথেই সমাজের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে অবগত করলেন মারোয়াড়ি সমাজের সদস্যরা। এলাকার যানজট সমস্যা থেকে শুরু করে বাইপাস সমস্যা, হিন্দি ভাষাভাষী মেয়েদের স্কুল অপরিকল্পিত অবস্থায় রয়েছে ও ছাত্রীদের পঠন পাঠনের উপযুক্ত পরিবেশ না থাকার বিষয়ও উপস্থাপন করার সাথে পর্যাপ্ত স্কুল নেই এলাকায়, সেই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে দাবি করেন। রানীগঞ্জ এলাকার বিভিন্নভাবে দীর্ঘদিন ধরেই বঞ্চিত, এলাকায় নতুন করে অডিটোরিয়াম না করে স্কুল হাসপাতাল গড়ে তোলার উদ্যোগ নিন বলেই আবেদন করলেন মারোয়াড়ি সমাজের এক সদস্য অরবিন্দ লোহারওয়ালা। সাংসদ এদিন সকল বিষয়গুলি শুনে যে যে বিষয়গুলি তার এখতিয়ারভুক্ত রয়েছে তা নিয়ে তিনি করার উদ্যোগ গ্রহণ করবেন বলে আশ্বস্ত করার সাথে অন্য যে সকল সমস্যা রানীগঞ্জ শহরে রয়েছে সেগুলিও যে যে দপ্তরে বলার প্রয়োজন রয়েছে সেই দপ্তরে বলে ব্যবস্থা গ্রহণ করার উদ্যোগ নেবেন বলেই তিনি জানান। এদিনের এই সংবর্ধনা সভায় সাংসদ ছাড়াও উপস্থিত হন আসানসোল কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান অমরনাথ চ্যাটার্জি, রাজেন্দ্র প্রসাদ খৈতান, মহেন্দ্র শর্মা, সুন্দর ভালুটিয়া প্রমুখ। अनुरोध है कि मेरे रिजल्ट के आधार पर जज विचार ना करें बल्कि मेरी सिंसियरिटी के आधार पर, मेरी ऑनेस्टी के आधार पर, मेरी इंटेग्रिटी के आधार पर, मेरी ट्रांसपेरेंसी के आधार पर आप मुझे जज करें कि मैं उसको मेरे संघर्ष के आधार पर जज करें कि मैंने दिल से काम करने की कोशिश की या नहीं की। अगर मैंने की कोशिश तो मैं उतना ही बधाई का पात्र हूँगा जितना कि बढ़िया रिजल्ट निकल जाए। कौन नहीं चाहेगा जब मैं निस्वार्थ काम कर रहा हूँ तो कौन नहीं चाहूँगा कि जितना समाज का और आप लोगों का, खासकर जो आप लोग संपन्न लोग हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, आपका ज्वाइंट परिवार है, बहुत अच्छे संस्कार हैं आपके अंदर, और आप लोगों का अगर काम करने में जो खुशी हमें होगी, चाहे हमारे लोगों को होगी, अमर बाबू को होगी, चाहे तृणमूल कांग्रेस को होगी, मैं नहीं समझता और किसी को होगी। मैं बिल्कुल नया नया आया हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ की समस्याओं को सुनने की और समझने की। मैं आपके साथ प्रयत्नशील हूँ और मैं सिंसियरिटी के साथ जिस तरह से लगा हुआ हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले दिनों में जो रिजल्ट की आपको अपेक्षा है वो रिजल्ट मिलेगा आपको, हमारे समाज को, इंक्लूडिंग देवी बाबू जी ने आर्ट एंड कल्चर के स्कूल का जिक्र किया है, उसके लिए ध्यान रखूंगा। और आशा जी, जो आपने बात की है, मेरी पत्नी ने सबसे पहले मुझे कहा था, अगर मेरी पत्नी ने किसी हिंदी स्कूल के लिए कहा था आप लोग के कहने पे, तो सबसे पहले उन्होंने कहा था। और मैं चूँकि आप जानते हैं घर का सताया मतलब हर पति की वही कहानी होती है, घर का डरा हुआ, तो मुझे तो कहा था तो मैंने उसको वहीं से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था, इन बातों का पता है। तो मैं पुनः आप लोगों का बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ अंत में कि मैं हर हालत में, हर कीमत में, दिए वचन के मुताबिक मैं हक आपका हूँ, आपका था और आपका ही रहूँगा। जय भारत।